गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का थर्ड चैप्टर नादान दोष के प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले पाठ का अध्ययन कर लिया है। तो आज हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? तो उत्तर है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, उनका घोंसला कैसा होगा। वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। बाबूजी को ना पढ़ाई लिखाई से फुर्सत थी, ना अम्मा जी को घर के काम धंधों से। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निश पर क्यों रखे थे? उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निश पर रखा, क्योंकि जब चिड़िया को प्यास लगे तो पानी पिए और भूख लगे तो दाना खाए। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, केशव और श्यामा ने मिलकर चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने मिलकर चिड़ियों के अंडों की नादानी की, क्योंकि दोनों से अनजाने में अंडे फूट गए थे। ये हो गया प्रश्न अभ्यास। इसको आप अपने हिंदी कॉपी में लिखिए।